ममता बनर्जी का बड़ा बयान, जब तक जीवित हूँ बंगाल में CAA नहीं होने दूंगी लागू। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले CAA का मुद्दा उठाने के लिए मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि वह अपने जीवनकाल में राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। दिनाजपुर जिले के रायगंज में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने लाभ लेने के लिए आगामी चुनाव से पहले नागरिकता अधिनियम यानी CAA का मुद्दा उठाया है। बनर्जी ने कहा वह भाजपा चुनाव से पहले NRC, CAA और समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं। यह राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। हमने सभी को नागरिकता दी है, उन्हें को सब कुछ मिल रहा है, वह नागरिक है, यही कारण है कि वह वोट देते हैं। बनर्जी ने कहा मैं स्पष्ट रूप कर देती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने दूंगी। बनर्जी ने केंद्र मंत्री और भाजपा नेता शशांक ठाकुर के हालिया दावे की प्रतिक्रिया देते हुए बात कही है। ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में एक सप्ताह के अंदर CAA लागू किया जाएगा। रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले के काकाद्वीप में एक जनसभा के दौरान दिए गए ठाकुर के बयान के विवादास्पद कानून को लागू किए जाने को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में CAA को मंजूरी दी। कानून को 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, बाकी मुसलमानों को नहीं। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।